नमस्कार फ्रेंड्स, आपका आरएन एक्सप्लोरर में स्वागत है। और आज हम आपको नेपाल में पोखरा का विजिट कराएंगे। और हम यहाँ से गोरखपुर से सुनौली से एसी बस लेकर पोखरा पहुँचे। और यहाँ पर हमने लेक व्यू लेन में हमने होटल अपना लिया डहलिया, और वहाँ पर हमने स्टे किया। उसके बाद हमने, क्योंकि हम फेवा लेक की लेन में थे और हम अपने चल पड़े कि हम फेवा लेक का आनंद लेते हैं। हम यहाँ पर जो लेक्स हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल पोखरा की लेक है, उसका भी विज़िट कराएंगे, आपको दिखाएंगे। और हम आपको यहाँ पर स्तूपा भी ले जाएंगे, पीस पगोडा भी ले जाएंगे। और आपको हम जो यहाँ पर अलग अलग विजिटिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे, पाताल पानी और ये टेंपल्स जो हैं उनको भी, उनका भी विजिट आपको कराएंगे। तो आप थोड़ा सा बने रहिए, देखते रहिए। आरएन एक्सप्लोरर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपको फेवा लेक का व्यू करें, ये हम फेवा लेक के अंदर टेंपल्स का पिक्चर दिखाया आपको। और ये यहाँ से जब फेवा लेक में आप अंदर विजिट करते हैं, बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा। यहाँ बोट आपको हायर कर लेनी है और बोट से लाइफ जैकेट बोट पहना कर वो लोग लेके जाते हैं अंदर, बोट राइड कराते हैं आपको। कई तरह की बोट्स होती है, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप बड़ी बोट से ले सकते हैं, और कम लोग हैं तो छोटी बोट से भी जा सकते हैं। और ये देखिए बहुत प्यारी है, मतलब ये पोखरा की सुंदरता है फेवा लेक। आप यहाँ आएंगे तो अमेजिंग, बहुत। यहाँ से आपको एवरेस्ट का व्यू भी नज़र आता है, और अगर वेदर क्लियर है तो आप यहाँ से फेवा लेक से एवरेस्ट का की जो चोटी को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो ये देखिए हम फेवा लेक में पहुँचे, वहाँ हमने उसका व्यू आपको दिखा रहे हैं, बोट्स का व्यू दिखा रहे हैं आपको, विभिन्न एंगल से हम उसको दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, जहाँ हमने पिक्चर्स ली फेवा लेक में। वाह, किनारे पर अमेजिंग व्यू ऑफ फेवा लेक, अमेजिंग। आप भी आइए, बहुत प्यारी जगह है पोखरा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि हम यहाँ 2-3 दिन यहाँ पर केवल यहीं पर विजिट कर सकते हैं। हाँ, दिन में थोड़ा गर्म। देखिए हम स्तूपा भी आपको दिखाएंगे, पगोडा, इसको पीस पगोडा भी बोलते हैं। और आपको और भी जो जैसे जैसे हमारा टैक्सी हमें जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर लेके जाएंगे, हम आपको वो सभी का दर्शन कराएंगे यहाँ से आपको। और फेवा लेक का तो एक अमेजिंग व्यू है, आप आएंगे तो बहुत। ये लेक जो है, लेक के नाम पर ही इसका नाम पोखरा पड़ा है। तो पोखर, जहाँ पोखर मतलब तालाब जहाँ होता है, ये नेपाल में उसको तालाब बोल के या पोखर बोल के बोला था, तो उसी के नाम से इसको पोखरा। यहाँ से एवरेस्ट का व्यू आपको फेवा लेक से बिल्कुल क्लियर चोटी नज़र आती है। और जो पैराग्लाइडर्स हैं वहाँ ऊपर जाकर वहाँ से उसको एवरेस्ट को भी निहारते हैं, देखते हैं, और फेवा लेक को भी देखते हैं ऊपर से। तो आप 1500-1500 रुपये ग्लाइडिंग का कॉस्ट है। तो हमने ग्लाइडिंग नहीं किया, हम यहाँ पीस पगोडा भी आए, देखा और फेवा लेक का भी इंजॉय किया। और इसके बाद हम पाताल पानी और दूसरा जो भी लगे जगह है वहाँ पर जाएंगे। अभी हम आपको, क्योंकि आप जब पोखरा आएंगे तो पोखरा आप एसी बस से आ जाइए, गर्मी रहती है तो एसी बस से आएँ। और आप यहाँ आकर, ये तो हम होटल का व्यू दिखा रहे हैं, होटल हमारा डहलिया होटल, ऊपर स्विमिंग पूल था जहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया, तो वहीं की कुछ पिक्चर्स हैं। और यहाँ से आपको पूरा रेंज नज़र आता है, अन्नपूर्णा रेंज, और का पूरी रेंज नज़र आती है। आप
देखेंगे तो बहुत, क्योंकि काफ़ी हाइट पर है होटल, होटल काफ़ी ऊंचा था और वहाँ से पूरा सब नज़ारा नज़र आ रहा था। तो आप देखिए, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये मार्केट का व्यू है, ये पोखरा मार्केट का व्यू है, ये पोखरा होटल, हमारी होटल का व्यू है। तो हम आपको सारे व्यूज़ में, सारा कुछ इसमें एक दिखाएंगे आपको। आप देखिए, आपको अगर होटल कम खर्चे का भी चाहिए तो लेक के पास भी मिल जाएगा, और अच्छा होटल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के होटल्स हैं, और जैसा आपको पसंद आए वैसा आप कर सकते हैं। और ये यहाँ से हम ऊपर से फेवरिक का जो आपको व्यू दिखा रहे हैं, अमेजिंग व्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे भी आपको लेके जाएंगे और आगे भी दिखाएंगे, कि यहाँ से एक अलग अलग टाइप का व्यू और पिक्चर्स आपको, मतलब आँखों को इतना सुकून। ये हम फ्रेंड्स आपको डेविस वाटरफॉल का नज़ारा दिखा रहे हैं, और डेविस वाटरफॉल के सामने ही आपको ये फेवरेक, और ये डेविस वाटरफॉल से अंदर गुप्तेश्वर महादेव जो गुफा है, ये गुप्तेश्वर महादेव गुफा है, उसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, काफ़ी सीढ़ियों से नीचे उतर के आपको ये देखने, ये देखिए इस तरह से ये गोल गोल सीढ़ियाँ होकर जानी पड़ती हैं। गुप्तेश्वर महादेव, यहाँ टिकट आपको लेकर और अंदर जाना पड़ता है। और ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का व्यू है। आप यहाँ से डेविस फॉल वाटरफॉल को भी इंजॉय कर सकते हैं, जो यहाँ से नज़र आता था। पानी जब गिरता है तो पता नहीं पाताल में कहाँ चला जाता है उसका पानी, का सब बोलते हैं फेवा लेक में मिल जाता है या कहाँ जाता है। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और ये फेवा लेक, तो गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ये अभी रिसेंटली ये केव्स पता लगी हैं और हैं पुरानी, पर इनको अभी जानकारी में पब्लिकली आया है। तो ये फ्रेंड्स हम आपको स्तूपा भी दिखा रहे हैं, और ये स्तूपा थोड़ा सा सीढ़ियों से चढ़ के आपको जाना पड़ता है। पीस पवाड़ा भी इसे बोलते हैं, ये पीस पवाड़ा का व्यू है, और आप इंजॉय करें। और पोखरा बहुत सुंदर है, आप आएँ और पोखरा में इंजॉय करें। पोखरा में इस महादेव जी का टेम्पल भी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी ऊंची है, मूर्ति लगी है, इसका भी व्यू एक अपना अलग ही आनंद देता है। और यहाँ बहुत सारे शिवलिंग्स बने हुए हैं, यहाँ से फेवा लेक का भी नज़ारा आप ले सकते हैं। तो ये सब ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर है ये शिव मंदिर, और यहाँ आपको आने के लिए टैक्सी वैक्सी से आना चाहिए। तो काफ़ी ऊँचा ये, फिर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं विंध्यवासिनी, जो विंध्यवासिनी का मंदिर हम अब पहुँचे। ये भी एक पोखरा का अट्रैक्शन है कि विंध्यवासिनी जी के मंदिर, जहाँ जी काली का ही रूप है, और मंदिर बहुत शानदार है, और काफ़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ऊंचाई पे जाना पड़ता है, और वहाँ से आप इस विंध्यवासिनी मंदिर का ये देखिए। हम आपको अब पोखरा की नाइट लाइफ दिखा रहे हैं, पोखरा के पहाड़ किस तरह से, और पोखरा की लेक, आप उसका पूरा आनंद यहाँ से ले सकते हैं। और लेक यहाँ पर दो हैं, आप यहाँ भी एक, और ये यहाँ पर डैम है, उसमें उसका भी आनंद, रूप सागर डैम करके है, तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया है, डिटेल में ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, फिर आप ये सब जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन है पोखरा, और जहाँ पर आप परिवार सहित जाएँ और इंजॉय करें, काफ़ी पीसफुल, शांति और एकदम क्लीननेस, और आपको मन आने को तो नहीं करेगा। और यहाँ ये हैंगिंग पुल भी है काफ़ी लंबा, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एक म्यूज़िक, अरे ये बोलते म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी आप जा सकते हैं। और तो काफ़ी दो तीन दिन का अट्रैक्शन है, शॉपिंग की है वहाँ पर, और अच्छी जैकेट्स मिलती हैं ठंड में, और वह भी कुछ फॉरनर्स वी टाइप का मिलता है। तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, देखिए। और ज़्यादा नहीं है पोखरा आने की, सुनौली से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये म्यूज़ियम हम कुछ दिखा रहे हैं, म्यूज़ियम में रखे हुए कुछ सोल्जर्स की जैकेट्स और सब अलग अलग मोमेंट्स, मोनूमेंट्स, तो जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो सबका
एक म्यूज़ियम बनाया और ये नाइट लाइफ है। फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई आप ये सब चीज़ें यहाँ पर पोखरा में इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की लाइट और डिस्को बार भी हैं और यहाँ पर डांस बार, डिस्को बार, आप सभी तरह का आनंद ले सकते हैं। जो जिस तरह से चाहे वो अपना आनंद ले सकता है। सभी कुछ पोखरा में अवेलेबल है और आप पोखरा की नाइट लाइफ को रात देर रात तक भी इंजॉय कर सकते हैं। आप जाइए और यहाँ पर देखिए आप टेंपल्स, लेक्स और इन सभी को, पीस पगोडा और आप केबल कार, इन सब का आनंद यहाँ पर आप एक साथ उठा सकते हैं। आपको यहाँ पर मिनिमम 2 डेज और 3 डेज आपको चाहिए। 2-3 डेज पोखरा में इंजॉय करें, रुकें और आराम से जाएं। आप काठमांडू से वापस आकर भी पोखरा आ सकते हैं और पोखरा से वापस सुनोली भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और उसके बीच में और भी देखने का व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ आपके अपनी इच्छा अनुसार रुक सकते हैं। चितवन है जहाँ पर देवी जी का मंदिर है, वहाँ भी जा सकते हैं चितवन। और भी कुछ जहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं चितवन में, वहाँ भी जा सकते हैं। आप इंडिया से अपनी गाड़ी से, व्हीकल से भी आ सकते हैं बाई रोड और बाई एयर भी पोखरा के लिए फ्लाइट्स हैं इंडिया से, तो आप आ सकते हैं। जैसे आपको इच्छा है तो आप आ सकते हैं। तो आप कोई वीज़ा परमिट अभी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। बस एक गाड़ी का आपको भंसार, यहाँ बोलते हैं भंसार, पे करना होगा पर डे के हिसाब से। जितने दिन आपको पोखरा में रुकना है या नेपाल में रुकना है, उतने दिन का आपको भंसार अपनी गाड़ी का, जो चेक पोस्ट पर, बॉर्डर पर ही चेक पोस्ट बने, वहाँ पर आपको पे करना होगा। ये देखिए हम आपको केबल कार, हर तरह का अलग अलग व्यूज़ दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर सभी में आप इंजॉय कर सकते हैं नाइट लाइफ, यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ की लेक्स और अलग अलग सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको हर तरह के जैसे डांस बार हैं, रात को नाइट लाइफ है पोखरा की अपनी, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और यह एक मैंने बताया था चितवन में देवी जी का टेम्पल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ आप वहाँ की मार्केट दिखा रहे हैं आपको, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ ये जब आप पोखरा से सुनौली की तरफ आएंगे तो रास्ते में आपको ये चितवन पड़ेंगे और टेम्पल पड़ेगा। और वहाँ काफ़ी सारी मैंने बताया कि आपको एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं, वो आप एक्टिविटीज़ वहाँ कर सकते हैं। और काफ़ी शानदार व्यू है चितवन से और इसका, टेम्पल का। और बाकी आप देखिए 3-4 दिन का टूर लेके चलिए तो पोखरा जाने में ही आपको पूरा एक नाइट आपकी होती है एसी बस में। और अपनी गाड़ी से आप डे में जाएंगे तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि बस तो रुकते हुए जाती है और आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और मतलब अपनी गाड़ी है तो आपको होटल्स अवेलेबल हैं, आप जाइए और पूरा लाइफ को एंजॉय कीजिए, यहाँ की नाइट लाइफ को। तो सब कुछ अवेलेबल है, शानदार है। और फिर मैं आपको बोल रहा हूँ RN Explorer को सब्सक्राइब करें और आप इंजॉय करें। फ्रेंड्स आप पोखरा में आएँ और इंजॉय करें, पोखरा को देखें, वॉच करें। बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं इसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप पोखरा आएँ और इसकी ब्यूटी को निहारें, देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा पोखरा आके। पोखरा नेपाल में सबसे सुंदर जगह है, अगर मैं बोलूँ तो सबसे सुंदर जगह नेपाल के अंदर पोखरा है। और पोखर से जो पोखरा नाम इसका रखा गया है, यहाँ की लेक, यहाँ के केव्स, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का स्टाइल, यहाँ का खान पान भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और RN Explorer को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।